इसी के साथ समय हो गया है मध्य प्रदेश समाचार का, चलिए देखते हैं इस बड़ी खबर को। आत्म साक्षात्कार के बाद ही प्रभु से मिलन होता है। सतयुग सेमिनार 2020 का आयोजन किया जा रहा है। सहज योग से होता है आत्म साक्षात्कार और रियलाइजेशन। मध्य प्रदेश जिला देवास खातेगांव में सतयुग सेमिनार 2020 का आयोजन आदिगोड़ धर्मशाला बरछा रोड पर किया गया है और सहज योग के माध्यम से लोगों को जागृत करना मुख्य उद्देश्य है। सहज योग के माध्यम से किस तरह से आप अपने शरीर की बीमारियों को दूर कर सकते हैं, एक संसार को नई खोज दी जा रही है जिसमें असाधारण रोग, भ्रष्ट राजनीति, ग्लोबल वार्मिंग, प्रदूषण, भगवान के नाम पर आडंबर की ठीक करने की गारंटी दी जा रही है और इसे किस तरह से योग से ठीक किया जाएगा इसी बारे में जानकारी दी जा रही है। ये सब सहज योग आपको 3 दिवसीय सहज योग प्रशिक्षण के दौरान दिया जाएगा। डॉक्टर बंसल दिल्ली के द्वारा इस योग में सब कुछ बताया जाएगा, आप अपनी बीमारी से किस तरह से छुटकारा पा सकते हैं। इस दौरान एक रैली का भी आयोजन किया गया और रैली में लोग अपने हाथों में तख्तियां लेकर चल रहे थे। सहज योग आज का महायोग। रैली के समापन के बाद लोगों को आत्म साक्षात्कार करवाया गया और रियलाइजेशन यानी आत्म साक्षात्कार इस योग के बाद प्रभु से मिलने का मार्ग दर्शाता है। मीडिया से रूबरू होकर डॉक्टर आईएस बंसल ने इस महत्वपूर्ण विषय में जानकारी भी दी। अवतार का आगमन हो चुका है माता जी के माध्यम से और जो निर्मला देवी जी का जो संदेश है वो जन जन तक आप किस प्रकार पहुँचाते हैं और इससे क्या फायदे लोगों को हो रहे हैं। और आज आप सहयोगियों के द्वारा एक नगर में विशाल रैली का आगमन भी हुआ था, आगाज भी हुआ था, जहां लोगों ने माता जी के दर्शन भी किए, स्वागत भी किया, आप इस विषय में थोड़ा सा बताएं। ये सतयुग की शुरुआत परम पूज्य श्री माता जी निर्मला देवी ने 1977 में की थी और 1999 में ये पूरा हो गया था और श्री माता जी ने कहा था कि ये जन जन तक पहुँचाना है क्योंकि अगर सहयोग नहीं होगा तो इस संसार में समाप्ति हो जाएगी और लोग दिखाई नहीं देंगे। तो ये आप मेरी कसम लीजिए कि हम आप लोग इसको जन जन तक पहुंचाएंगे। सहयोग से हर तरह की बीमारी का इलाज परिवार के लोग करेंगे। सहयोग से मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे की परख होगी कि किस में सकारात्मक ऊर्जा है और किन में नहीं है, किन में जाने से परेशानी बढ़ेगी भविष्य में और किन में जाने से परेशानी घटेगी। तो सहयोग से कृषि को अच्छा कर सकते हैं, पैदावारी बढ़ा सकते हैं, क्राइम को कम कर सकते हैं। ये जेलों में भी प्रोग्राम चल रहा है, हम अपने पैसे से चलते हैं और कॉलेजों में प्रोग्राम देते हैं, ये सभी लोग साथ साथ सब चलते हैं, अपने सेल्फ पैसे से चलते हैं। कोई ऐसा नहीं कि हम गवर्नमेंट से लेते हैं तब ये कार्य करते हैं। और हम जुडिशरी में भी जाते हैं, वहाँ पर बताते हैं कि सकारात्मक ऊर्जा पॉजिटिव एनर्जी से कैसे पता लगाएं कि इसने क्राइम किया है या नहीं किया है, क्योंकि इसमें जो वाइब्रेशन होते हैं, जो चेतन आता है हाथों पे, उससे ये पता लग जाता है कि ये आदमी गलत है या सही है। और डिफेंस में जब हम जाते हैं फोर्स में तो वहाँ हम टॉपिक लेते हैं कि जो बाहर से मिलिटेंट आते हैं, आतंकवादी आते हैं, उन पर हमारी सरकार बहुत पैसा खर्च करती है लेकिन फिर भी खाली हाथ कई बार वापस आ जाते हैं। तो हम उसको चेक कर लेते हैं कि इस एरिया में आतंकवादी मौजूद है या नहीं है। जब आतंकवादी हम जजमेंट कर देते हैं कि यहाँ मौजूद है तो तब उस पर घेरा डाला जाता है। तो इसमें डिफेंस में भी हम काम करते हैं। फिर भ्रष्टाचार में है तो भ्रष्टाचार में जैसे ही हम अफसर से बात करेंगे तो उससे बात करते ही हमारी बॉडी में पेन शुरू हो जाता है और हम समझ जाते हैं कि अधिकारी ये पैसा लेता है, बिना पैसे के काम नहीं करता है। लेकिन कई अधिकारी ऐसे होते हैं जिनसे बात करते ही एकदम तबीयत गदगद हो जाती है और हमारे अंदर से इतनी कूलिंग पॉजिटिव एनर्जी निकलती है कि हम ये बता देते हैं कि ये आदमी भ्रष्टाचारी भी नहीं है और ये एक दवाई भी नहीं खाता है, क्योंकि इसमें पूरी रिसर्च होती है और इसमें कम से कम 100 डॉक्टर ने पूरे संसार में PhD की है MBBS के बाद में। अच्छा, आत्म साक्षात्कार का आप बताते हैं कि आत्म साक्षात्कार क्या है। बहुत अच्छा सवाल किया है आपने। आत्म साक्षात्कार, जो आत्म साक्षात्कार है ये गीता में लिखा है, गीता पढ़ते सब हैं लेकिन कृष्ण भगवान ने एक ही सेंटेंस 18 अध्याय में एक सेंटेंस ऐसा लिख दिया जिसको कोई भी पंडिती बात नहीं करते। पंडित जी ये कहते हैं कि बस गीता पढ़ो और सुनो और बताओ, लेकिन उसमें कृष्ण भगवान ने अर्जुन से बताया था, पहले तो माना ही नहीं था लेकिन 17वें अध्याय में जब विराट रूप दिखाया तो अर्जुन डर गया। उन्होंने कहा कि ये सारी दुनिया मेरे पास है और तुम्हें मैं निमित्त मात्र बना रहा हूँ, लेकिन हे अर्जुन, जो केवल आत्म साक्षात्कारी होगा भविष्य में
वो ही मेरे अवतार को दोबारा जब मैं आऊँगा तो वो पहचान सकता, वरना नहीं। तो आत्म साक्षात्कार ये हर ग्रंथ में लिखा है, कुरान शरीफ में इसको रूह बोलते हैं। उसमें पैगंबर साहब ने लिखा कुरान में कि जब कयामत चलेगी तो हाथों पे रूह आएगी, जबान बंद हो जाएगी और कब्र जाग उठेंगी। आज हम बताएंगे कि इस कब्र में जाने से फ़ायदा होगा, क्योंकि वो जगी हुई है, वहाँ से रूह निकलती है, जिसको हम ब्रह्म शक्ति बोलते हैं। वो मंदिरों से भी निकलती है, गुरुद्वारे से भी निकलती है, चर्च से भी निकलती है, लेकिन जिनमें वो निकलती है ऐसे 3% मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे हैं, और जिनमें ये नहीं निकलती, महसूस नहीं होती है, उनमें जाने से परेशानी होती है। आपने देखा बहुत सारे लोग हैं वो पूजा बहुत करते हैं और डेली करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा तंग है जीवन में, और जो नाम तक नहीं लेते हैं वो उनसे अच्छे रहते हैं। तो आत्म साक्षात्कार ये अनुभव है, इसको जब हम लेते हैं, इसी के लिए हमारा लक्ष्य जीवन में जो हम आए हैं मनुष्य जीवन में, इसी के लिए आए हैं। अगर ये प्राप्त नहीं हुआ तो हमारा ये जीवन धिक्कार होगा और हम जैसे पहले भटके हुए थे वैसे ही भटक जाएंगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आत्म साक्षात्कार बच्चे से लगा के आज बुजुर्ग तक को मिलता है, क्योंकि माता जी का जो महावतार आया है इन्होंने बच्चे से लगा के माँ बहन और बुजुर्ग तक को दिया है। नहीं तो पहले ये कोई एक ऋषि मुनि 20 साल 30 साल तपस्या कराता था, उसके बाद भी कोई शॉर्ट ही नहीं होती थी कि वो दें या ना दें। जैसे राजा जनक ने नचिकेता को दिए, मोहम्मद साहब आए तो हसन हुसैन को मिला था, इसी तरह से कृष्ण भगवान ने एक अर्जुन से बात करी थी, बाकी से बात ही नहीं करी, लेकिन श्री माता जी निर्मला देवी ने बचपन से ही इनको ये था और इन्होंने फिर पूरे संसार को दिया। उन्होंने वरदान दिया कि आप भी दे सकते हैं, कोई भी गुरु का शिष्य इस धरती पर आत्म साक्षात्कार नहीं दे सकता, लेकिन सहयोगी चाहे वो 10 दिन का हो एक महीने का, वो दूसरे को आत्म साक्षात्कार दे सकता है और उसकी परेशानी को आत्म साक्षात्कार के बाद दूर कर सकता है, जो किसी भी तरह की परेशानी हो। सर, आपके इस सहज योग में कहाँ कहाँ से लोग पधारते हैं और अपना जीवन जो है सहजयोगी के रूप में देते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। इसमें सबसे बड़ी बात ये है, आज 180 देशों में ये चल रहा है, पूरे संसार में, पूरे विश्व में। वहीं पंजाब पाकिस्तान बॉर्डर से पहुंचे सहजयोगी व महाराष्ट्र से पहुंचे सहजयोगी चंद्रशेखर बहरी ने इस बारे में जानकारी दी है कि किस तरह से महत्वपूर्ण है। आप कहां से आई हैं? मैं अबोहर पंजाब से आई हूं, डिस्ट्रिक्ट फाजिलका से। हाँ जी, बोलिए। आज सहजयोग के माध्यम से आपको क्या फायदे हुए हैं और सहजयोग मनुष्य के जीवन में क्यों जरूरी है? सहजयोग के माध्यम से फ़ायदे तो मुझे अनेक हुए हैं लो, लेकिन जब स्टार्टिंग में जो मुझे फ़ायदा हुआ ये हुआ था कि मेरे यूट्रस में एक सिस्ट थी, 3 गांठें थी कि, और डॉक्टर ने मुझे ना कैंसर डायग्नोज कर दिया। तो डॉक्टर ने बोला कि आपका 25 लाख रुपए का खर्चा आएगा और आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा इमीडिएटली, लेकिन श्री माता की असीम कृपा से मुझे किसी ने सहजयोग बताया और मैंने उसको फॉलो किया। 1.5 महीने के अंदर मेरी सिस्ट 2 गांठें गायब हो गई। उसके बाद मैं तब से प्रतिदिन सहजयोग कर रही हूँ और जन जन को यही संदेश पहुँचाना चाहती हूँ कि जो परम पूज्य माता श्री निर्मला देवी जी हैं वो साक्षात आदिशक्ति भगवान हैं, इनकार्नेशन हैं। सहजयोग करने से हर समस्या का समाधान होता है, बिना दवा और बिना पैसे के। और क्या ऐसे अनुभव हैं जो आपके किसी साथी के साथ इस प्रकार के सहजयोग के माध्यम से हुए हों, और आप क्या अपने मातृशक्ति जो आपके साथ है उनको क्या संदेश देना चाहेंगी कि वो सहजयोग किस प्रकार का? सहजयोग जी जो बिल्कुल वो आसान क्रिया है, 5 तत्वों के द्वारा हम अपने आप को किस तरह ठीक कर सकते हैं, बैलेंस में ला सकते हैं। सहजयोग जो है वो साइंटिफिक प्रूफ भी है, हाथों के पर हमें चैतन्य का अनुभव होता है, पता चलता है कि सहजयोग करने से हमें जो बीमारी है वो ठीक होती है, ये आध्यात्मिक प्रूफ भी है और घर में हर एक चीज़ में फ़ायदा होता है। हमने देखा है आप भक्ति में बड़े तल्लीन दिख रहे थे, आपका नाम भी बताएं साहब। हाँ, मैं वैसे अहमदनगर महाराष्ट्र से आया हूँ, पधरा हूँ यहाँ, और मेरा नाम चंद्रशेखर भैरी है। और वैसे सोचा जाए तो हमारे सहयोग ध्यान केंद्र से अहमदनगर से और भी 2 बहनें मेरे साथ में आए, और वैसे अभी देखो मेरे चेहरे पे फंगल इन्फेक्शन और फूड पॉइजनिंग का असर हुआ था 17 तारीख को, ये 5-6 दिन पहले। और ध्यान में और रिजर्वेशन ही मैंने झेलम एक्सप्रेस का किया था कि यहाँ आने के लिए, तो मुझे चिंता पड़ी कि ये ऐसा फंगल इन्फेक्शन मेरे मुंह पे आया है और शरीर पे आया है, तो ये कैसे मैं यहाँ आ सकूँ। और मेरी जिद थी कि आना ही है कैसे भी करके, और मैं ध्यान में माता जी से मांग लिया कि ये मेरा पूरा असर दूर हो जाए और पूरी तरह से, या तो आप मेरी पूरी स्किन चेंज कर दीजिए, इतना मैं लड़ा हूँ
ध्यान में, और माताजी ने मुझे गिफ्ट दिया और आने का मौका यहाँ दिया, इससे मैं बहुत संतोष पाता हूँ और माँ का जन्म जन्म से आभारी मानता हूँ कि ये मुझे मौका मिला और इतना हसीन और संदेश पूरे विश्व में जा रहा है कि जो माताजी ने गांव-गांव में बैलगाड़ी में घूम के किया है, जो अभी आधुनिक व्यवस्था होते हुए भी हम जो भी कर रहे हैं वो उनके आशीर्वाद से ये सफल हो रहा है, और जग ये विश्व में जो भी अशांति फैली है उस पे मात करने की शक्ति जो सहयोग में है, तो उसी तरह से ये काम चलता रहेगा। और अध्यात्म में अति उच्च मानव को बनाने का जो माँ का सपना है वो पूरी तरह से होता दिख रहा है। और जो ये डिजीज है, जो भी ऊँचे डिजीज हल्के डिजीज वो पूरी तरह से मिट जाए और हॉस्पिटलिटी नहीं रहे, ये भी माँ का सपना वो पूरा होता हुआ दिख रहा है। ये बहुत संतोष की बात है।